आप जी दे कोल कितनियां क्लासां ने सर जी? सर मेरे कोल 7 क्लासां। ठीक है जी, 7 क्लासां च किन्ने बच्चे ने? सर 71 है। 71 बच्चे ने, ते अध्यापक किन्ने ने? सर मैं एक हां जी। ते इस टाइम मैं काफ़ी स्ट्रगल करना पैंदा कि जे बच्चा नहीं आता तो मैं खुद अप्रोच करनी पैंदी आ, उन्हें अपने बाइक पर बिठा के लिया पैंदा। देखो परमात्मा ने जे सानू जॉब दी है तो साडा भी एक इखलाकी फर्ज बनता कि असी बच्चा ते फोकस करिए, जे बच्चे की प्रॉब्लम है नहीं आ सकता आपां नूं लैके जी। सर सर देखो बच्चा जो टैलेंट है इस कोई शक नहीं, मेरे स्कूल के बच्चे खेडां दे विच स्टेट लैवल ते खेड के आए आ। सर जी जो असी स्कूल दे विच एंटर किया तो जिहड़ा स्कूल है बिल्कुल हरिया भरिया साफ सुथरा सानू बहुत सोहना लग्या, माली किन्ने रखिया? सर मैं ही माली हाँ, मैं ही टीचर हाँ, सारा कुछ सर मैं हाँ। पीयन घंटी बजाने वाला तो कोई होएगा तुहाडे कोल? सर जिस तरह से मैं ही सारा कुछ है सर। घंटी भी आपे बजाउंदे तुसीं? हाँ जी सर, कई यार बच्चे बजा देंदे आ, मिक्स ही काम सर। अच्छा। पिंड वालों भी सहयोग मिल जाता जो तो सानू खुद करना पे तो आप ही हाँ जी झाड़ू चाके असी लग जाइए सर। सर जी ये भी जानकारी मैनू मिली सी कि तुसी किसे होर स्कूल दे विच भी कुछ समा पढ़ाउण तुहानू जाना पैंदा, वो की विषय हैगा? सर वो पहला से जो इत्थे दो टीचर हुंदे सी ते दूजे स्कूलां दे विच टीचर जो छुट्टी करदा सी सानू मतलब प्रबंधक चलाउण वास्ते जाना पैंदा सी। बहुत ज़्यादा इस गल की घाट आउंदी है कि सरकारां वल्लों किते ना किते इन्हां स्कूलां नू अणदेखिया कीता गया है। टीचरां दी जिहड़ी घाट है उस दे बारे असी बहुत वारी आवाज़ बुलंद कीती है कि साडे स्कूल दे विच सिर्फ इक्को ही टीचर है। फ्री वाली कणक छड के, फ्री वाली बिजली छड के, सरकारां दे दुआले ही ये सामले होना चाहिए, स्कूल वधिया बनाओ, अध्यापक पूरे करो। ये दो ही चीज़ें जाने के बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन्नी जरूरी जाने के फ्री की कणक नहीं, उन्नी जरूरी जी बिजली नहीं, उन्नी जरूरी जो होर फ्री का समान नहीं है। बहुत सारे स्कूल एक भी अध्यापक नहीं हैगा, तो बहुत सारे स्कूल इदा दे जिथे इतने भी देखे 71 बच्चे एक अध्यापक पढ़ा रहा, किमें पढ़ा रहा होगा? सरकार तो मंग करते हैं कि साढ़े टीचर आ जोड़ा एक वो इन्ने बच्चों नहीं संभाल सकता। आस रखी जा सकती है बच्चे डीसी बन गए? मैं कहना जी यह मेरा ख्याल मिडल तो भी नहीं अगे जाएंगे जे योजे हालात रहे तो। कांछी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, जय गुरदेव जय भीम। पंजाब दे विच विद्या के साधन किदां दे ने, एजुकेशन का किदां दा प्रबंध है, सरकारां दा की देन है, की कमियां की पेशियां हैगियां ने। कुछ समय तो सरकारी स्कूलों का विजिट किया जा रहा कांछी टीवी के वलों, तो इस वेले जिला जलंधर ते विधानसभा हलका फिलौर दा पिंड जिहड़ा छोकरा है इस स्कूल च असी पहुंचे हां, सरकारी एलीमेंट्री स्कूल छोकरा। खास करके जे देखिए इन्हां स्कूलों दे विच साधारण परिवारां दे बच्चे पढ़ते ने, एससी परिवारां दे बच्चे पढ़ते ने, बेजमीने लोकां दे जां जिन्हां दे कोल साधन नहीं पैसा नहीं उन्हां परिवारां दे बच्चे ही पढ़ाई करते ने, जिन्हां कोल थोड़ी जिही चंगी पूंजी हैगी आ जां औखे सौखे हो के भी अपने बच्चों एलीमेंट्री प्राइवेट स्कूलों में लै जा चुके ने, ते जिथे मोटे खर्चे ने पर साधारण लोगों के बच्चे जिथे पढ़ते ने इन्हां स्कूलों के किदां दे हालात ने आपां पूरी जानकारी लवेंगे। इमारत बहुत सोहनी देखण नूं लग रही है, तो इमारत एक बहुत अच्छे कॉलेज दी जे गल करिए कॉलेज का भुलेखा पैंदा है। इस वेले तुसीं देख रहे हो कि सरकारी एलीमेंट्री स्कूल, सरकारी मिडल स्कूल जिहड़ा छोकरा है, सरकारी प्राइमरी स्कूल सारा एको इमारत दे विच है, बहुत अच्छा हरिया भरिया सारा स्कूल है।
बड़ी अच्छी रौनक हैगी आ नन्ने मुन्ने बच्चे भी जिहड़े ओह भी स्कूल दे विच दाखल ने ते आओ आपां देखदे आ इस स्कूल दे विच किद्दां दे हालात ने आओ तुहानूं सारी देवांगे रिपोर्ट। इस वेले देखते हैं कि इस क्लास के जिहड़ा सरकारी एलीमेंटरी जिहनूं सरकारी प्राइमरी स्कूल छोकरां दे विच हाँ असीं इत्थे देखते हैं कि इस स्कूल नूं किन्ने अध्यापक पढ़ा रहे ने। देखते हैं बच्चों की गिणती तो बहुत सोहनी लगती है इस स्कूल दे विच नन्ने मुन्ने बच्चे जिहड़े अपने हत्थां दे विच किताबां फड़ के वो स्टडी कर रहे हैं पढ़ाई कर रहे हैं। इधर अध्यापक साहबान भी बच्चों बहुत वधिया तरीके दे नाल पढ़ाई करा रहे हैं। तो किन्ने किहड़ा स्कूल है जी ये? सरकारी एलीमेंट्री स्कूल छोकरा है जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो आप जी दे कोल कितनियां क्लासां ने सर जी? सर मेरे कोल 7 क्लासा प्री प्राइमरी मिला के और 7 क्लासा बन गई हैं। ठीक है जी। हाँ 7 क्लासा च किन्ने बच्चे ने? सर 71 है जी। 71 बच्चे ने। हाँ। ते अध्यापक किन्ने ने? सर मैं एक हाँ जी। हाँ जी। तुसी इकल्ले 71 बच्चों पढ़ा रहे हैं इसलिए? सर वैसे तो प्रॉब्लम बहुत आती पर पिंड वालों का बहुत ज़्यादा सहयोग आ। उस समय समय से साड़ियाँ जो भी समस्यावान सुनते हैं। हाँ जी हाँ जी सर जो भी साड़ा मसला पिंड वाले हल करते हैं। चंगी गल है पिंड वाले बहुत अच्छा सहयोग करते पर सरकारी तौर पर अध्यापक तुसी कल्ले ही हैं। हाँ जी सर। सत्त क्लासा तुसी किवें मैनेज करते हैं? 7 क्लासा अलग अलग कमर च बिठाल के जां कट्ठे बिठा लेंगे? सर दो क्लासा कट्ठियां कर ली दियाँ बच्चों की गिनती के हिसाब नाल। हाँ मान लो तुसी चौथी ते पांचवीं क्लास दे विच पढ़ा रहे हैं दूजे दो कमरे फिर खाली रह जाते हैं? सर उन्होंने दूसरिया क्लासा होंगे सर। अच्छा, हाँ जी। मेरे कहने का मतलब अध्यापक तो बगैर फिर बच्चे आपे पढ़ते रहते? नहीं सर बच्चे कभी भी खुद नहीं पढ़ते उन्होंने टीचर पढ़ा ही है फिर ही पढ़ते। हाँ आप ख्याल रखना पैंता सारा ही उधर भी ख्याल रखते हो तुसी? हाँ। मतलब तिना भागों के वंट लें दो क्लासा एक एक कमरे के। हाँ जी सर। हाँ तो बहुत फिर बहुत तुम स्ट्रगल करनी पै रही है ये। हाँ जी सर। बहुत मेहनत करनी। रिजल्ट किवें देंगे बच्चे ने? सर रिजल्ट ठीक है। ठीक है। अच्छा इदा देखो दस्यो सर जी जे बच्चे थोड़े को पढ़ते हैं अज की तरीक दे इन्हां दे विच अंदर हुनर इन्हां दे विच पढ़ाई की भावना कितनी हैगी आ? सर एक्चुअली पढ़ाई की भावना तो है पर इहदे विच मैं ये सोचदा कि जो बच्चों के पेरेंट्स है वह नहीं अवेयर है कि टाइम नाल स्कूल भेजना डेली भेजना। कुछ पेरेंट्स इस तरह के भी है जो अपने नाल बच्चों नूं काम करते भी लै जांदे आ वह अपने मतलब निजी स्वार्थ करके बच्चों नूं उन्हां दी हैल्प लैंदे आ स्कूल नहीं भेजते। तो इस टाइम मैनू काफ़ी स्ट्रगल करना पैंदा कि जे बच्चा नहीं आता तो मैं खुद अप्रोच करनी पैंदी आ उन्होंने अपने बाइक पर बिठा के लिया पैंदा। बिल्कुल जी जो असी पिंड छोकरां दे विच एंटर किया जो असी स्कूल लई पुछया अध्यापक साहबां जानी तुहाडे वास्ते सी पिंड वासियां तो पुछया उन्होंने कहा भी बहुत चंगे ने। उन्होंने कहा भी कई बार असी रोजाना देखते हाँ कि स्कूल नू स्कूल टाइम तो सवेर वेले जां शाम वेले बच्चों आप लैके आउंदे आप छड्ड के भी आउंदे ने। हाँ जी सर बिल्कुल सही है जी। देखो परमात्मा ने जो सानू जॉब दी है तो साडा भी एक इखलाकी फर्ज बनता है कि असी बच्चों पर फोकस करिए जो बच्चे की प्रॉब्लम है नहीं आ सकता अपन लैके आइए सर। हाँ जी। तो जिमें प्राइवेट स्कूलों के बच्चे पढ़न जाते हैं तो इन्हों का मौन जरा मानसिकता का जो पद्धर हैगा भी तो उन्होंने वरंगरे वांगरे ही है उदा के परिवारों के जन्म लिया इन्होंने भी ये भी अच्छा पढ़ सकते हैं जे अध्यापक पूरे हो। हाँ जी सर। सर देखो बच्चा जो टैलेंट है इस कोई शक नहीं मेरे स्कूल के बच्चे खेडों के स्टेट लैवल पर खेड के आए आ और हर साल नवोदया के सिलेक्ट होंगे आ। पिछले सैशन के मेरे दो बच्चे नवोदया सिलेक्ट हुए सर। हाँ जी सर। उन्होंने स्कॉलरशिप भी शुरू हो गई होनी आ? सर वो बच्चे फिर उत्थे रेंदे आ डे बोर्डिंग स्कूल आ उत्थे रेंदे। हाँ जी सारा कुछ फ्री है उत्थे। हाँ जी नवोदया दे विच। हाँ जी सर। ठीक है। ये बच्चों के जिहड़े पेरेंट्स हैगे आ वो जदों तुसी पेरेंट्स मीटिंग रखदे आ बच्चों के मापिआं नाल मिलनी रखदे आ वो सहयोग करदे ने उन्हां नूं तुसी प्रेरित करदे होवोगे बच्चों नूं वध तों वध पढ़ाओ वध तों वध स्कूल इन्हां नूं पढ़ाई नाल जोड़ो वो साथ दिंदे ने? हाँ जी सर मोस्टली पेरेंट्स का साथ दिंदे। कुछ पेरेंट्स इदां जिन्हां दीआं आर्थिक मजबूरियां हुंदीआं आ वो मतलब अपने काम से फोकस करते बच्चों रूटीन नहीं भेजते।
हाँ जी सर जी जो असी स्कूल एंटर किया तो जिहड़ा स्कूल है बिल्कुल हरिया भरिया साफ सुथरा सानू बहुत सोहना लग्या मालिक ने रखे सर मैं ही माली हाँ मैं ही टीचर हाँ सारा कुछ सर मैं हाँ तो बच्चों के बीच भी अपने इनवायरमेंट वातावरण प्रति काफ़ी इन्हों प्यार आ क्योंकि जो टीचर खुद जो आप बच्चों को सिखाना आ कि वातावरण का प्यार रखो जो असी खुद पौधे लगावे उन्हों की केयर करा तो बच्चे करे सो मैं माण है कि मेरे बच्चों भी बड़ा मतलब वातावरण के नाल जो प्यार आ जो स्कूल एंटर किया जिथे वातावरण देखा ग्राउंड देखी तो हरिया भरिया सारा कुछ असी फुल बूटे देखे आ क्यारियों के बहुत ही डिसिप्लिन अनुशासन के नाल पौधे भी लगाए जो फुल भी खिड़े हुए है तो इतने बच्चों डिसिप्लिन भी बड़ा तो पीएन घंटी बजाने वाला तो कोई होएगा को सर जिस तरह से मैं ही सारा कुछ है सर घंटी भी आपे बजाते हाँ जी सर कई यार बच्चे बजा देंगे मिक्स ही काम सर अच्छा, हाँ। आप भी तुसी घंटी भी बजानी पैंदी है तो साफ सफाई दे विच भी आपे करना पैंदा सारा कुछ सर पिंड वालों भी सहयोग मिल जाता जो सानू खुद करना पे तो आप भी हाँ जी झाड़ू चाके असी लग जाइए सर सरकार दे वास्ते मल्टी टैलेंटेड टीचर है मजबूरी आ होर ना होण करके सर आप मजबूरी भी कह सकते हैं और सेवा भावना भी कह सकते हैं अभी है भी जिहड़ा स्कूल है उन्हें चलता भी किसी तरह रखना बच्चों का भविख हैगा हाँ जी सर हाँ जी मंग करते हो कि इस स्कूल जिमें 71 बच्चों कल पढ़ा रहे हो इस वेले तो इतने अध्यापकों की जरूरत लगती है हाँ जी सर बस सर मेरी यही मांग है कि बच्चों की गिनती के अनुसार जो टीचर सानू दिते जान ता जो इतने जोड़ा वधिया माहौल पढ़ाई वाला जोड़ा वो बन सके हाँ जी सर ठीक है बहुत खुशी हुई जी थानू मिल के धन्यवाद जी सर थोड़ा भी बहुत धन्यवाद जेडे तुसीं आ के मतलब साडे स्कूल विच जो इत्थे रियालिटी विच है चल रहा है साडी जिहड़ी आवाज़ है जां साडियां समस्यावां आ तुसीं डिपार्टमेंट तक लैके जाणियां तुहाडा भी सर बहुत धन्यवाद जी बहुत धन्यवाद जी ते साडा ये मुख मकसद है कि पूरे पंजाब भर दे विच जिहड़े स्कूलां दे विच बच्चे हैगे ने साजो समान हैगा पिंड वालियां ने बहुत अच्छे सुंदर आलीशान इमारतां भी बनाईयां ने फुल बूटे भी लगे हुए ने ते हर तरह का जिहड़ी सुख सुविधा पिंड का इंट्रस्ट दिलचस्पी भी है पर जे नहीं है तो अध्यापक नहीं हन इत्थे 71 बच्चों एक अध्यापक पढ़ा रहे ने ते ओ कल्ले आपे ही साफ सफाई आपे पीएन आपे सेवादार असी अक्सर देखते कि दफ्तर दे विच चार कोई कर्मचारी हुंदे ते एक उत्थे पानी पलाउण वाला सेवादार जरूर हुंदा इत्थे 71 बच्चे ते 72वें अध्यापक साहबान कोई पानी पलाउण वाला नहीं है तो कितना कितने सारा कुछ विचारन की लोड़ है नवीं सरकार बनी आम आदमी पार्टी की लोगों को ढेर सारिया उम्मीदा आसा ने आस करते हैं कि यह सरकार इस स्कूल वल उचेचा ध्यान दे के इस स्कूल दे विच घट्टो घट जिन्हें लोड़ींदे क्लासा के मुताबक बच्चों के मुताबक अध्यापक जरूर भेजणगे ये मैनू पूर्ण आस है असी इस करके सारा मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के ध्यान दे विच सारा कुछ लिया रहे हैं आस करते हैं कि यह स्कूल पीड़ित ना हो जो अध्यापक साहबान ने वो 71 बच्चों किवें पढ़ाते होणगे ते उन्हां ते तरह तरह की डाक तरह तरह का सिस्टम होर भी जिहड़ा वाधू बोझ भी पाया जांदा उहदे नाल भी इस स्कूल के बच्चों के उत्ते पढ़ाई के उत्ते जिहड़ा माड़ा असर पैंदा हैगा एक गल मैं होर पुछनी अध्यापक साहबान तो सर जी ये भी जानकारी मैनू मिली सी कि तुसीं किसी होर स्कूल दे विच भी कुछ समा पढ़ाउण तुहानू जाणा पैंदा वह की विशा हैगा सर वो पहला से जो इतने दो टीचर होंदे सी ते दूजे स्कूलों के टीचर जो छुट्टी करता सानू मतलब प्रबंध चलाने वास्ते जाना पैंदा सी ते सर हुण कई सालों तो मैं तुसीं कल्ले हो हाँ जी जाना हुण भी पैंदा नहीं सर हुण तो जो मैं छुट्टी करता फिर दूजे स्कूल तो मतलब प्रबंध चलाने टीचर इतने आता जी पर वो बच्चों के नाल हेल मेल तुसीं हो नवा होर कोई डेपूटेशन ते आएगा उनू बच्चों के नावों का नहीं पता सुभा का नहीं पता हेल मेल नहीं तुसीं ये पता लगा भी पिंड वाले ने दस्या कि बहुत लंबे समय तुसीं इस स्कूल दे विच सेवावां निभा रहे हो पर वो समस्या तो कितना अटैचमेंट की समस्या तो आउंदी आ बच्चों के नाल हाँ जी हाँ जी मान लो तुसीं तुहानू किसी चौथे पंजवें पिंड किसी स्कूल जे भेजिया तुहानू बच्चों के नाँ का नहीं पता बच्चों के सुभा का नहीं पता बड़ा फर्क तो पैंदा हाँ जी सर बिल्कुल जी फर्क पैंदा आ जो तो अपने स्कूल आप होंगे हाँ सानू तो कले कले बच्चे का नाम का पता है ना बच्चे का साइकोलॉजी हर बच्चे बारे पता है पर जो दूसरे स्कूल जाते हैं
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਪੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਡਿਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਾਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜੋ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਛੀ ਇਮਾਰਤ, ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ, 71 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਆਪੇ ਪੀਅਨ ਨੇ, ਆਪੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਆਪੇ ਅਧਿਆਪਕ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਾਂਛੀ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਲੋਕ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਬੜੀ ਰੜਕ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਰ ਵੀ, NRI ਭਰਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਦੀ ਹੈ, ਗੁੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਚਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ, ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ 71 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਨਰਸਰੀ, ਪ੍ਰੀ ਨਰਸਰੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ, ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵੀ ਸੋਝੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, 7 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਜੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ 7 ਕਮਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਰਸਯੋਗ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੀਲੇ ਝੰਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ। ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ
भारत के नागरिक जिहड़े हैगे ने लोग जिहड़े आ उन्हां नूं अनपढ़ रखना ताकि वह बुद्धू जिहा बन के इन्हां दे मगर लगी जाण, जैसर कही जाण, वोटां पाई जाण, कितें ना कितें इदां भी लगदा कितें ना कितें नीयत ते शक पैंदी है। की कहना चाहोगे खालसा जी? बिल्कुल गुरदास साहब, बिल्कुल जो तुसीं गल रखी है बिल्कुल सही है जी। पढ़ो, जुड़ो, संघर्ष करो। सानूं तिन्ने काम जिहड़े आ उह सरकारां नहीं करन दिंदियां, ना साडे बच्चे चंगे पढ़ सकते हैं, जिवें इत्थे टीचरां दी घाट, सारे पासे इस तरह आ। खालसा जी, इत्थे इदां भी लगदा वी हुणे हुणे बाबा साहिब भीम राव डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया, नारे लाए पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, तो लोगों नूं नीले पीले कार्ड छड्ड के, फ्री वाली कणक छड्ड के, फ्री वाली बिजली छड्ड के, सरकारां दे दुआले ही इह सामले होना चाहिए। स्कूल वधिया बनाओ, अध्यापक पूरे करो। बिल्कुल जी बिल्कुल, असीं इसे गल ते गुरु साहब बहुत रौला पहलों तो पाया, बहुत वारी पिछलियां सरकारां तो मांग की कि साडे स्कूलां विच टीचर पूरे होण, स्कूल जिहड़ा स्टाफ पूरा होवे, ते दूजा हस्पतालां दी असीं गल करदे ने वी हस्पताल जिहड़े ने उस वधिया होण, सारियां सहूलतां उहदे विच होवे, पूरे स्टाफ होवे। इह दो ही चीज़ां जाणी कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, उन्नी जरूरी जाणी कि फ्री दी कणक नहीं, उन्नी जरूरी जिहड़ी आ बिजली नहीं, उन्नी जरूरी जिहड़ा होर फ्री दा समान नहीं हैगा। खालसा जी, पिंडां दे लोक जिहड़े ने उह वी कितें ना कितें कमी रड़क रही महसूस हो रही आ कि पिंडां दे विच जिहड़े लीडर साहिबान हुंदे ने, MLA होया, MP होया, मुख्यमंत्री होया, जिहड़े साडे जिन्हां नूं असीं आप सेवा दिती है, वोट पा के उन्होंने जिम्मेवारी दिती है MLA की, भाई तू हलका सांभ, MLA बनाता तू हलका सांभ, तो उन्होंने भी असी जदों पिंड दे विच सद्दे आ कदी स्कूल डिस्पेंसरी च नहीं लैके जाते, उन्होंने भी भोग ते जलेबियां जां समागम के उत्ते उन्होंने भी बर्फी खड़ा के तोर दे, तां कसूर लोगों का भी लगता। बिल्कुल जी बिल्कुल गुरदास साहब, सो पिछले समय के बच्चे सारा कुछ देखने को मिले, हुण नवीं सरकार गुरदास साहब बनी है, सानू पिंड वासियों नू आम लोगों नू इत्तों बड़ी उम्मीद आ, आस आ कि क्योंकि इन्होंने सरकार ही इस करके बनाई सी भी असीं स्कूल जिहड़े आ उह दिल्ली के मॉडल के उत्ते वधिया बनावांगे, तो जिहड़े हस्पताल वधिया बनावांगे, इस करके सरकार भी इन्हां दी तां पंजाब दे विच आई है, तो सानूं उम्मीद है भी चलो बदलाव कुछ होएगा, तो पिंड वासियों नूं भी लोगों नूं भी असीं अपील करदे आ, जिवें तुसीं कहा भी उन्हां नूं स्कूलों विच जरूर एक बार गेड़ा लवाया जाए कि आह साडे स्कूल ने इन्हां विच आह घाट है, भी तुसीं सानूं दसो भी कदों इह घाटां पूरियां होणगियां। इसे कारणां करके हलका फलौर दे विच कुछ वोटां दे कारण इत्थों दा विधायक जिहड़ा आम आदमी पार्टी दा उह जित्तण तों रहि गिआ सीगा, पर उन्हां नूं पावरां जिहड़ियां दित्तियां गईआं आम आदमी पार्टी की सरकार के वलों एज ए हलका इंचार्ज, MLA तो करीब करीब उन्होंने जिहड़ियां प्रशासनिक तौर पर जिहड़ियां उन्होंने हदायतां ते उन्होंने अधिकार भी दिते गए ने, इस ए रिटायर्ड प्रिंसीपल भी ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के नाल सारी उम्र उन्होंने कट्टी आ, बरीकियां चंगी तरह जानते हैं, पर इन्हां दे वलों भी किसी स्कूल दे विच विजिट किया जिहड़ा ध्यान च नहीं आता। हाँ जी, प्रिंसीपल प्रेम कुमार जी जिहड़े ने आम आदमी पार्टी तो हलका इंचार्ज ने फलौर तो, जो पढ़ाउण लिखाउण वाले उम्मीदवार से इतों, तो उन्हों तो सानू बहुत आसा ने गुड़ा साहब, क्योंकि उन्होंने वाग जोड़ा उन्होंने खुद बच्चों पढ़ाया लिखाया आ, तो वह इस चीज़ वालों जरूर वो तो ध्यान देंगे। 2.5 महीने के किसी स्कूल विजिट तो नहीं किया हाले? गए से गुड़ा साहब कई स्कूलों के गए, कई कमर का उन्होंने उद्घाटन भी वगैरह भी किया आ, तो कई स्कूलों में जाके आए ने, तो असी कुछ हर स्कूल के साडे सर्वे के मुताबिक इस स्कूल के भी एक कॉलेज तो यूनीवर्सिटी का भुलेखा पाँदी इमारत है, कमर के नालों अध्यापक जरूरी ने सरकार दे वलों भेजने चाहिए, वो लिस्टा बना के हलका फलौर दी लिस्टा बना बना के भेजनिया चाहिए हलका इंचार्ज सरकार तक कि इस स्कूल दे विच बहुत सारे स्कूल एक भी अध्यापक नहीं हैगा। बिल्कुल, तो बहुत सारे स्कूल इदा दे जिथे इतें भी देखे 71 बच्चे एक अध्यापक पढ़ा रहा, किमें पढ़ा रहा होगा, तो इधर ध्यान देने की लड़ हैगी, कमरे तो बहुत है। सही गल है जी, मैं तो अपने इस अध्यापक साहब अपने सरदार कुलवीर सिंह जी इतों के हैड मास्टर जी ने उन्होंने मैं खुद वेख्या गुड़ा साहब इतने सफाई करद्यान वेख्या, कई बार बच्चों अपने बच्चों वाग जाने के उन्होंने दसना बैठना उठना जिवें तुसीं गल कीती, जाने के बहुत ज़्यादा चंगे इंसान ने, मैं तो उन्होंने भी मतलब कुर्बान जाना उन्होंने सल्यूट करदा कि इन्ने बच्चों सांभ रहे ने, सारा स्कूल उन्होंने देखो सांभिया। भी वह कई बार देखा भी वह अपनी बाइक के उत्ते बच्चों लेके आते होंगे? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल गुड़ा साहब, बहुत ज़्यादा वो बच्चे प्रेरित भी करते हैं कि साडे सरकारी स्कूल जो दाखला लवो। यह भी गल तुहाडी ठीक खालसा जी, बहुत सारे अध्यापक साहबान वो अपनी सेवा भावना के नाल जिम्मेवारी निभाते, पर बहुते ये भी आ भी साडी किसी ना किसी तरह साडा जिहड़ा ड्यूटी है
ਬਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ। ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੱਲ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਚੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਟੋਇਲਟਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਚੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ, ਚੱਲ ਇਕੱਲਾ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਤ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ ਆ, ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀ ਉਤਰਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਦਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਫਿਲੌਰ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ੋਕਰਾਂ ਹੈ, ਇਸ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਲੈਸ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਦਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੁਰਸੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੁਰਸੀਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕਾ ਫਲੋਰ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਸਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ, ਮਾੜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਵੇਂ 71 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਚਰ ਆ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ, 71 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਾਂਜੀ, 71 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ, ਤੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ DC ਬਣਨਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਸ ਨਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਕੋਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਨੇ
आसा उन्होंने भी ने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, मेरा बच्चा वकील बने, मेरा बच्चा जज बने, मेरा बच्चा पायलट बने, आसा उन्होंने भी ने। गुड़ा साहब, सब तो बड़ी त्रासदी यही है भी जिहड़ा ये प्राइवेट स्कूल खुलण कारण साढ़े प्राइमरी स्कूलों के सरकारी स्कूलों में बच्चे घट गए आ, उहदे करके साढ़े जिहड़े गरीब बच्चों के नाल खिलवाड़ होया, इसी वजह एक दे नाल होया भी सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिता, टीचर नवें भर्ती नहीं किए, जिहड़े पुराने रिटायरमेंटा ते चले गए, तो यही जिहड़ा बाबा साहब का सुपना सीगा वह चूर चूर हुंदा नज़र आ रहा। बिल्कुल जी, चूर चूर आउंदा नज़र आउंदा जा रहा। तो विधानसभा हलका फलौर रिजर्व सीट है, इतों हुण हर बार MLA MP वह भी रिजर्व होंदे ने, हुण हलका इंचार्ज भी जिहड़ा वह रिजर्व हैगा, फिर भी SC लोगों के जिहड़ा चिंता ना करनी कितना कितने, इन्हां ते भी एक वड्डा सवालिया निशान है मौके का, जिहड़ा MLA ते मौके का MP ते हलका इंचार्ज है। देखो जी, जिस वेले ये चुने जाते हैं MP MLA तो उस वेले ये साढ़े आम लोगों के बाबा साहब की फोटो शेयर करते हैं, पोस्टर दे लाई होंगी, फ्लैक्सा दे लाई होंगी, पर किसी भी MLA किसी भी MP ने उन्हां दी सोच जिहड़ी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सोच आ उन्हूं एक्सैप्ट हजे तक नहीं किया। अगर एक्सैप्ट किया हुंदा तां अज साडे बच्चे स्कूलों के लाचार ना हुंदे, ते साडे जो एक अध्यापक आ जे साडे ते बच्चियां ते नहीं तरस करना तो उस अध्यापक ते तां तरस कर लो, सत्तां क्लासां दे बच्चे ये एक त्रासदी आ सरकारां नूं, कम से कम साडे इस जिहड़ा रब रूप अध्यापक आ सत्तां क्लासां नूं पढ़ा रहा उत्ते तां तरस करन दी जरूरत है। बहुत धन्नवाद जी, जय गुरदेव। धन्नवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया गुड़ा साहब, तुसीं साडे इस समस्या दी हल नूं उत्ते पहुँचाओगे, असीं बहुत बहुत थोड़ा धन्नवाद करते। धन्नवाद जी, तुसीं देखिया कि पिंड दे पतवंते सज्जनां ने भी रियलिटी दसी है स्कूल की। बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी का हुणे हुणे जन्मदिन मना के हटे हैं, तो इन्हां स्कूलों के असल दे विच ओ लोग पढ़ते हैं, उन्हां लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जिन्हां की चिंता की सी बाबे नानक ने, जिन्हां की चिंता की सी सतगुरु रविदास महाराज जी ने, जिन्हां की चिंता की सी गुरु गोबिंद सिंह जी ने, जिन्हां की चिंता की सी बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर जी ने, उन्होंने संविधान लिखण वेले हक भी लोगों को लेके दिते ने कि एजुकेशन फ्री होवेगी, से सहूलतां फ्री होवनगियां, ते उन्हां दे पढ़ाई दे मुताबक योग्यता दे मुताबक रुजगार भी होएगा। पर लोग नहीं समझे, लोग नहीं समझे, खास करके वो लोग नहीं समझे जिन्हां नूं उहनां लोकां ने वोटां पा पा के MLA MP बनाया, पावरां दित्तियां, पर वो अपने परिवारां नूं पालण तक लगे रहे, ये त्रासदी रही है पंजाब दे विच। अज स्कूलां दा हालात जिहड़े ने वह तुहानूं असीं दिखाए ने, 71 बच्चों किवें एक अध्यापक पढ़ाउंदा होगा, बड़ा चिंता की गल हैगी आ। आस प्रगटाई लोगों ने इस मौजूदा मौके दे प्रधान मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान तक जिहड़ी आस प्रगटाई आ कि इन्होंने बड़े सानू आसां दित्तियां ने। शहीद आजम सरदार भगत सिंह दी जद्दी पिंड उत्थे जाके सौं भी खाधी है कि मैं भगत सिंह का सपना पूरा करांगा। भगत सिंह का सपना पूरा जिहड़ा सीगा, सपना सीगा मनुख हत्थों लुट मनुख दी ना होवे, सारयां नूं एजुकेशन, सारयां नूं बराबरता दे अधिकार मिलण, बराबर एजुकेशन मिले। उन्हां दा सपना सी कि जिथे एक राजे का बच्चा पढ़ता भिखारी का बच्चा भी उस क्लास के उस कमरे के बैठ के पढ़े, बाबा साहब का भी सपना सी। पर अज ये सारयां दे सपने, साडे रहिबरां दे सपने चकना चूर करके रख दिते समें समें दीआं सरकारां दे, समें समें दीआं लीडरां ने। पर हुण आस लोकां ने प्रगटाई है कि भगवंत मान ते सानूं आस है कुछ ठीक करूगा, ते असीं भी ये सारा मामला, सारा जो रियलिटी ग्राउंड रियलिटी है, ये सरकार दे ध्यान दे विच लियांदे रहांगे। होर भी स्कूलों के डिस्पेंसरियां दे विच, हस्पतालां दे विच, होर भी सरकारी अदारियां दे विच, बिजली बोर्डां दे विच भी असीं सारे विजिट कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी चंगी तरह दस रहे हैं कि बिजली करक ते देश की आज़ादी तो पहलां दी इमारत बनी है, अज ढह ढेरी होण नूं फिरदे, उत्थे जिहड़े कागज़ पत्र भी पे वह उड उड जा रहे, क्योंकि 20 मुलाजमान की जगह एक मुलाजम काम कर रहा, किवें वह काम करता होएगा। त्रासदी पंजाब दी अज उजड़िया उजड़िया पंजाब दी दा, अज पंजाब नूं बहुत कुछ ठीक करन दी लोड़ है, दुरुस्त करन दी लोड़ है। इस सरकार ते लोकां नूं ढेर सारियां आसां उम्मीदां ने, आस है
कि कुछ समय के पंजाब जिहड़ा कुछ खुशहाल लगेगा, दुरुस्त लगेगा। इस आस के नाल धन्यवाद जी तुहाडा। तुसीं देख रहे हो कांछी टीवी, जय गुरदेव, जय भीम। नवीं ते ताज़ा खबरां सब तो पहला देखने लई साडा यूट्यूब चैनल लाइक ते सबसक्राइब करो। कांछी टीवी नाल ही दबाओ घंटी का बटन।